क्या माफिया मुख्तार अंसारी के आने वाले हैं अच्छे दिन? क्या दुश्मनी भूल भाजपा के खासम खास बन जाएंगे मुख्तार? क्या सीएम योगी और अमित शाह खत्म कर देंगे मुख्तार नाम का मुद्दा? प्रायोजक है माई इंडिया फ्यूज दिराए पेट्रोल पंप, डीजल पंप और सीएनजी पंप डीलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-313-9115 पर। सिर्फ ये तीन सवाल नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों सवाल यूपी की सियासत में बीते शुक्रवार से घूम रहे हैं। यूपी में भाजपा की सत्ता स्थापित होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार और मुख्तार की दुश्मनी की जगह दोस्ती की बात हो रही हो। हर कोई इस चर्चा के पीछे की कहानी को जानने के लिए हैरान है। हर कोई सवालों का जल्द जवाब जानने के लिए बेचैन है। अब सवाल ये है कि आखिर ये योगी सरकार और मुख्तार की दोस्ती के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं जबकि दोनों के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। दरअसल ये सारे कयास शुक्रवार को सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के उस दावे के बाद लगाए जा रहे हैं जिनमें राजभर ने मीडिया के सामने दावा ठोका था कि उनकी पार्टी के टिकट पर विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एनडीएम समर्थित प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार हैं। राजभर ने दावा किया कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को भी मालूम है। आपके जो विधायक हैं 6 में से उसमें से एक मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भी हैं, उनसे भी बात हुई है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे? देखिए हमारी बात उनसे कम से कम 4 बार हुई, कल भी हमारी उनकी बात हुई है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा हूं, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी के भी सामने रखा हूं। ऐसा नहीं है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाते हैं। उन्होंने भी वोट देने की पेशकश की है कि हम साथ हैं, हम साथ चलेंगे। राजभर के इस दावे के बाद सियासत में योगी सरकार और मुख्तार की दोस्ती के कयास चर्चा में चल रहे हैं। 2022 चुनाव में अखिलेश के सारथी रहे राजभर को इस भावी गठबंधन का सूत्रधार माना जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अब्बास के फैसले से मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को सरकार से राहत मिल सकती है। अगर राजभर सपा से गठबंधन तोड़ भाजपा से जोड़ते हैं तो राजभर और भाजपा के बीच मुख्तार के परिवार का बड़ा मुद्दा बन सकता है। आपको बता दें कि 2022 चुनाव के बाद से ही लगातार सपा और अखिलेश यादव से नाराज चल रहे सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीएम समर्थित द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। सुभाषपा के 6 विधायक हैं जिनमें एक नाम मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का है। ऐसे में मीडिया ने राजभर से अब्बास के वोट को लेकर सवाल दागा तो राजभर ने मीडिया के सामने ही दावा ठोक दिया कि अब्बास अंसारी एनडीएम प्रत्याशी को वोट देंगे। इस बारे में उनकी 4 बार अब्बास से बात हो चुकी है और ये बात सीएम योगी और अमित शाह के संज्ञान में भी है। फिलहाल राजभर के दावे पर अभी तक सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी का कोई बयान नहीं है। अब्बास अंसारी क्या फैसला लेंगे इसका इंतजार सियासत के बड़े बड़े पंडित भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजभर और अंसारी परिवार का रिश्ता बरसों पुराना है जिसके चलते राजभर ऑन कैमरा मुख्तार के समर्थन में कई बार बयान दे चुके हैं और 2022 में मुख्तार के बेटे को टिकट देकर विधायक भी बनाया। ऐसे में अगर राजभर फिर भाजपा के पाले में जाते हैं तो हो सकता है कि योगी सरकार मुख्तार पर रहम बरसा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।